जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला पंचायत सदस्य से तीखी नोकझोंक के बाद जिलाधिकारी ने कुर्सी छोड़ दी और जिला पंचायत सदस्य को ज्यादा बुद्धिमान होने की संज्ञा देते हुए अपनी कुर्सी पर बैठने का आमंत्रण दे दिया। इस बात से कुछ देर तक हॉल में सन्नाटा छा गया और सब कपाए जिला पंचायत सदस्य कुछ समय तक हक्का बक्का रह गए। हालांकि अपने शब्दों को वापस लेने के बाद सीएम ने किसानों की समस्याओं पर जांच के आदेश दिए। तहसील में जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में चल रहे संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिला पंचायत सदस्य रविंद्र सिंह ने किसानों की नहर के ओवरफ्लो होने से खराब होने वाली फसलों की समस्याओं का मामला रखा। किसानों का निस्तारण किया गया 79 शिकायतें हमारे पास आई है जिसका मौके पे जो है 10 का निस्तारण हो गया। और कई शिकायतों के लिए हमारी टीम बनी है और कई जगहों के लिए हमने सीधा ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो 2 बजे के बाद जो है जाके जो है कार्रवाई करेंगे। जी सर, किसानों ने अभी सर शिकायत की है कि उनके खेत भर जाते हैं और फसलें सड़ जाती हैं नहर विभाग की वजह से, सर क्या उसमें? देखिए, नहर विभाग की वजह से किसानों का कहना है कि उनकी फसलें जो है नुकसान हुई है, उसका सर्वे ऑलरेडी जो है तहसील से कराया जा रहा है। अगर उनका नुकसान ओवरफ्लो के कारण हुआ है और या टूटने के कारण हुआ है नहीं, तो उनको मुआवजा भी दिया जाएगा और ये भी चेक किया जाएगा कि जिनके शिकायतें हैं वो सही है या नहीं। जी सर, कुछ लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन